और क्या क्या करेंगे? स्लाइडिंग करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे और स्लाइडिंग नहीं करेंगे अपन। क्यों? ज्यादा करूंगा, लाइक करना। थैंक यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल के नए लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम जाने वाले हैं जू में, जो नागपुर में महाराज बाग बहुत फेमस जू है। बहुत दिन से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि जू में जाने का, धूप के कारण हम लोग नहीं जा पाए। तो आज है संडे और आज का लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज संडे में हम ढेर सारा फन करने वाले हैं। तो गाइज, लॉग को पूरा देखिएगा और अगर आपको आज का लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। हाँ, सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें एंट्री करना है। इसका एंट्री गेट है। यहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो इसकी पार्किंग इसके अपोजिट साइड में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, वहाँ पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पार्किंग है। यहाँ पे लिखा है नो मास्क नो एंट्री, तो ऑलवेज हमें मास्क पहन के ही एंट्री करना है कहीं पर भी। तो चलिए अब हम एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ है क्रिव, जो मेरा बेटा है, और ये क्रिव के साथ है शुभ, जो दीदी का बेटा है। तो इन दोनों की मस्ती आज के लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इसका एंट्री गेट है और यहाँ से हमें एंट्री कर लेना है अंदर। उसके पहले हमें टिकट निकाल लेना है। 3 साल के बच्चों से लेके तो बड़ों तक की टिकट हमें निकालनी होगी। तो ये इसका सामने का प्रमाइसेस है, जहाँ पे आपको ढेर सारे शॉप्स मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है संडे के कारण, तो अब मैं जाके पहले टिकट ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 टिकट ले ली हैं। विदाउट टिकट तो एंट्री हमें मिलने वाली नहीं है, तो अब हम एंट्री करेंगे अंदर। तो हे गाइस, अभी हम लोग महाराज बाग के अंदर हैं और ये काफ़ी बड़ा जू है। यहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, तो बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है जो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना होगा। और हाँ गाइस, आज के व्लॉग में मैं क्रिव को पहली बार जू में लाई हूँ, पहली बार पार्क में लाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जू विद पार्क दोनों अटैच है और साथ में शूट भी है। तो संडे के दिन आज लोग फर्स्ट टाइम हम लोग महाराज बाग को आए हैं क्रिव को लेके। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट एरिया है, बहुत सारी हरियाली है, पेड़ पौधे। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले फ़िश हाउस, जहाँ पे ढेर सारे फिश है और क्रिव को बहुत पसंद है फिश को देखना। तो सबसे पहले हम लोग फिश हाउस जाएंगे, उसके बाद फ़िश देखेंगे, उसके बाद बाकी के एनिमल्स देखेंगे। तो चलिए गाइस, अब ये यहाँ का फिश हाउस है जिसकी ओर हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग फिश हाउस के अंदर एंटर करेंगे। कर दो फिश को हाय। हाय बोलो, नहीं ना हाय बोलो। फिश को खाना है। तो छोटा सा फिश है ये, छोटा फिश। क्या देख रहे हैं आप लोग? फिश देख रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, बेबी शार्क है, लेकिन हाँ बड़ा शार्क बनेगा। कौन सा फिश है ये? कौन सा फिश है? बेबी शार्क है। कौन सा फिश है शुभ? ये कौन सा फिश है? गुड। यहाँ पे नेम लिखे हो गया वो पढ़ना। ये देखो इधर इधर देखो, वो तो गाइज़, अभी हम लोग फ़िश हाउस से निकल चुके हैं। फ़िश देखकर बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया और ढेर सारे फ़िश उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे जिनके नाम उनको पता चले। ये यहाँ का साइलेंट जोन,
गाइज ये देखिए यहाँ की कंपाउंड वॉल कितनी बड़ी और ऊंची है, ताकि इसमें से कोई भी एनिमल्स बाहर नहीं जा पाए। तो बहुत बड़ा है ये महाराज बाग प्राणी संग्रहालय। इससे को अटैच पार्क भी है, तो पार्क में हम बाद में जाएंगे। जब हम आए तब 2 से 3 बज चुके थे, तभी भी काफ़ी धूप थी, धूप के वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं चल पाए। धूप के वजह से बहुत सारे एनिमल्स अंदर बैठे हुए थे छाँव में, जो नहीं देख सके। करियो पीकॉक देखा, कितने भालू है? मंकी नहीं है, भालू है। क्या है, क्या है ये? दो लेपर्ड हैं धूप के वजह से, वो भी बेचारे छाँव में बैठे हुए। ये देखो क्रू टाइगर। तो गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं टाइगर, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। टिफिन वाला टाइगर नहीं है बेटा, वो देखो टाइगर है उधर। तो गाइज यहाँ पे ना 2 टाइगर है। कहा जाता है कि इसके पहले ना करीब 1 से 2 महीने पहले यहाँ पे एक लायन हुआ करता था, अब वो लायन को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और उसके जगह पे ना 2 टाइगर को लाया गया। देखो देखो ओ, 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 ओ। और यहाँ पे टाइगर की लड़ाई चल रही है गाइज, अब देख सकते हैं बहुत सारी गर्दी है यहाँ पर, सभी तरफ से पब्लिक ही पब्लिक है। जहाँ जगह मिली वहाँ पे जाके हम लोगों ने ये वीडियो शूट किया है। ये देखिए गाइज मज़ा आ गया टाइगर देख के। दोनों की लड़ाई चल रही है यहाँ पर, मजा आ रहा है शुभ क्रिव। ये देखो टाइगर बैठ चुके हैं अभी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स, काफी सारे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हैं यहाँ पर। बच्चों को बर्ड्स को देख के भी बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे प्रकार के पैरट्स हैं। तो अभी हम पार्क के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पार्क में, और पार्क में बच्चों के साथ नहीं गिरते, आ जाओ पापा है ना नीचे, आओ बहुत खुश हो गया क्रिव स्लाइड करके, झूला झूल रहा है क्रिव, वो भी अकेले। डर लग रहा है भैया? नहीं लग रहा, घर नहीं जाना है। इसको भी बहुत मजा आ रहा है, शुभ को बहुत खुश हो गया। पकड़ के बैठना, हाँ में हम जू में आ चुके हैं। क्या क्या देखा जू में आज? क्या हमने देखा? जिराफ, मंकी, लेपर्ड, टाइगर एंड टाइगर। 2 टाइगर्स थे ना बड़े बड़े? यस 2 टाइगर्स। क्या किया फिर आज? आज हमने पार्क में गए हम, उसके बाद स्लाइडिंग की। स्लाइडिंग की क्या करेंगे? अभी हम जाएंगे घर। मजा आया? तो हे गाइस अभी हम लोग जू से निकल चुके हैं। एक्चुअली बच्चों को बहुत भूख लग गई थी और बहुत देर हो गए यहाँ पे आए हुए, 2 से 3 घंटे इतने सेम है। तो अब हम बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पे सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।